खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से है, जहां जनपद के सदर कोतवाली अंतर्गत डीटीडीसी कोरियर सेवा के कार्यालय पर कोरियर के माध्यम से गांजा के पैकेट को प्राप्त करने आए दो अभियुक्तों को सदर कोतवाली पुलिस और लखनऊ के एसटीएफ टीम द्वारा कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि कोरियर द्वारा 54 किलोग्राम गांजा मंगाया जा रहा है। इसकी सूचना पर लखनऊ से आई एसटीएफ की टीम और देवरिया सदर कोतवाली की पुलिस ने कोरियर को प्राप्त करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजने का काम किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ लखनऊ एवं थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पूर्वा तिराहा स्थित डीटीडीसी कोरियर सर्विस के कार्यालय पर कोरियर के माध्यम से मंगाए गए लगभग कुल 54 किलोग्राम गांजा के पैकेट के साथ उसे प्राप्त करने आए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली देवरिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।